इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर सेइंग ये अच्छी चीज है करने के लिए. तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड और नॉट गुड? सो इट इज गुड फॉर सम पेशेंट्स. फर्स्टली इन जनरल इट्स नॉट गुड फॉर एवरीबॉडी टू गो ऑन इंटरमिटेंट फास्ट. आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए क्या आप कैंडिडेट हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए या नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके आज जो वर्जन जो पॉपुलर है उसके बहुत सारे वर्जन होते हैं. 5 days अ मंथ, 3 days अ मंथ, 2 days अ वीक, 3 days अ वीक, बहुत सारे, पूरा 24 hours. पर अभी हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो आजकल पॉपुलर है और वो है 16 hours and 8 hours. माने एक दिन में 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे और 8 घंटे में ओरिजिनली तो जो चाहे खाएंगे. तो पहली बात तो इसमें वो जो चाहे खाएंगे नहीं होता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए. फिर भी करेक्ट चीजें खानी, हालांकि पेट भर के खा सकते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बॉडी को स्टार्व करेंगे बियॉन्ड 13-14 hours तो फैट मेल्टडाउन शुरू होगा एंड दैट्स हाउ यू माइट लूज सम वेट एंड योर मेटाबॉलिज्म विल इंप्रूव. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स फॉर सम पीपल, डजंट वर्क फॉर एवरीबॉडी, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग. अगर आप की डायबिटीज एकदम शुरुआत में है या सिर्फ आपका गोल अब थोड़ा सा वजन कम करना है या आप ऐसी दवाइयों पे हैं जैसे मेटफॉर्मिन है या ग्लिप्टिन है जिनसे कि लो शुगर नहीं होता, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं. अगर आप इंसुलिन पे हैं या ऐसी दवाइयों पे हैं जिनसे लो शुगर भी होता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट सच अ गुड आइडिया, क्योंकि उसमें फिर आपको लो शुगर होने का रिस्क रहेगा जिस पीरियड में आप नहीं खाएंगे. और जब आपको भूख लगेगी 8 घंटे में आप खाएंगे तो फिर हाई शुगर होगी उस टाइम. इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज बीन शोन टू हेल्प इन वेट लॉस. इट हैज आल्सो बीन शोन लिटिल बिट टू हेल्प ओवरऑल इन आर एजिंग, इन कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, इन फैटी लिवर, इन मेनी थिंग्स, बट ओनली इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल. एंड उनमें भी सब में नहीं होता फायदा इवन इफ यू आर अ कैंडिडेट. देयर इज ऑल्सो कंसर्न कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो वेट लॉस होता है थोड़ा मसल लॉस भी होता है उसमें. और इंडियंस का मसल मास तो कम होता ही है. जैसे आप जानती हैं इंडियंस का प्रोटीन इंटेक तो बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग का ओवरऑल मसल फैट रेशियो इज नॉट गुड. तो अगर हम फिर भी प्रोटीन कम खाएंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग मसल लॉस अगर होगा हमारा, तो देन इट इज नॉट रियली नाइस. सो यू विल हैव टू डू इट अंडर सुपरविजन, नॉट कि एवरीवन कैन जस्ट स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो सर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से इज इट पॉसिबल कि अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है, मैंने अभी अभी पता लगा है लेट्स द लेवल्स आर वेरी लो, इससे रिवर्सल भी हो सकती है क्या फॉर सम पीपल? सो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड द ओनली रियल स्टडीज ऑन दिस विच हैव एक्चुअली शोन रिवर्सल are the ones which involve low-calorie diets and weight loss. In the direct study and other studies where patients lost significant weight because of a controlled diet. Controlled diet kya mane? 800 calorie. 800 calorie aap khake dekhiye, din survive karna aasan nahi hai. Chaliye 1000 bhi samajh lijiye. Par agar aap utna kam caloric intake karenge aur aap weight loss karenge 5 kilogram, 10 kilogram, to depending on the amount of weight loss, आपकी शुगर में इम्प्रूवमेंट होगा ही. और कई बार शुरू के फर्स्ट पहले पाँच साल में आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है या कम से कम रेमिशन में जा सकती है. हो सकता है 10 साल बाद फिर हो जाए, बट उस समय तो ठीक हो सकती है. सो इन वन लाइन, वेदर इट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनी अदर फास्टिंग प्रोटोकॉल, एनी अदर डाइट प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस योर कैलोरिक इनटेक ड्रास्टिकली, देन in the early stages of diabetes, especially if your diabetes has come on because of weight gain, you can probably reverse diabetes also. Sir, thodi confusion mujhe is baat pe ab ho rahi hai. And why leave keto behind? Intermittent fasting to flavor of the this season hai. Usse pehle to keto tha kuch mahine pehle, right? Yes. Why leave that? उस पे तो studies and published papers भी हैं. अब उसके बोलबाला थोड़ा कम हो गया है. I wonder why. On the other hand, the American Diabetes Association says कि eat frequent meals. तो अब बहुत confusion, दुविधा हो रही है मेरे दिमाग में. बिल्कुल ठीक. It's a genuine question.
genuine question which patients ask every day. And one, and so that I won't interrupt, the second bit is when I think about intermittent fasting, right? What happens in the time jab aap fast kar rahe hain? Aapne 8 ghante dawa ki kha to liya. Ab kya khaya is a different question. But uske baad won't you get low glycemic? Matlab aapka sugar level drop nahi hoga kya? So these are two questions that are interlinked with each other. So let's compare both these schedules. Okay, what is the... So first thing is, मैंने आपको पहले ही बोला intermittent fasting वही लोग कर सकते हैं, diabetes जिनको है, जिनमें वो ऐसी दवाइयों पे हैं जिनसे low sugar नहीं होती, तो उनको कोई risk नहीं है. अगर आप सिर्फ metformin पे हैं या metformin और gliptin या ऐसी दवाई पे हैं जिससे कि low sugar होती ही नहीं, वही लोग कर सकते हैं. अगर आप इंसुलिन पे या ऐसी मेडिसिन पे हैं जिनसे लो शुगर हो सकती है, तो आपको 16 घंटे बिना खाए नहीं रहना चाहिए. दैट इज वन. एडीए ने ये बोला है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है. अर्ली स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप, फिर वही बात है, ऐसी दवाइयां खा रहे हैं या ऐसी इंसुलिन लगा रहे हैं जिससे लो शुगर हो सकता है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर recommended, क्योंकि हर बार आप कैसे, हर मील के लिए आप कैसे वो करेंगे बैलेंस. तो इट इज बेटर टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड नॉट गेट अ लो शुगर इन बिटवीन. दैट इज अ कॉन्सेप्ट. स्पेशली दिस इज ट्रू फॉर टाइप 1 डायबिटीज. यू डोंट वॉन्ट लॉन्ग गैप्स, टू मेनी लॉन्ग गैप्स. टाइप 2 में जो अर्ली टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें लॉन्ग गैप्स में कोई ऐसा नुकसान हमारा नहीं होता कि हम फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. कीटो डाइट्स. Keto diet. Keto diets are fat-based diets, you know, and basically you're having a high amount of fat, a very high amount of fat, and much less carbohydrate. The carbohydrates are reduced to a really low level, really low level. So keto diets have their own challenges. Firstly, most people can't do them properly. जो असली कीटो डाइट है उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं, इतना लोग बोलते हैं कि हाँ आई एम डूइंग अ कीटो डाइट. उसके एज यूजुअल जैसे हर चीज़ के होता है, इतने वेरिएशंस इंटरनेट पे आ गए, यही नहीं पता असली कीटो डाइट है कौन सी. दे हैव वेरी लो कार्बोहाइड्रेट एंड दे हैव हाई फैट्स, राइट, एंड देर इज नो लॉन्ग टर्म डेटा ऑन देयर एफिकेसी, एंड नोबडी इज, नो एसोसिएशन और बॉडी रेकमेंड्स कीटो डाइट्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स. एट द वेरी आउटर लिमिट महीना दो महीना करके छोड़ देना चाहिए अगर आपको लगता है करना चाहिए. हम लोग जनरली कीटो डाइट्स नहीं रेकमेंड करते हैं, वो एपिलेप्सी में अलग स्टोरी है, बच्चों की एपिलेप्सी में दिया जाता है. बट अदरवाइज वी डोंट जनरली रेकमेंड कीटो डाइट्स बिकॉज आई डोंट थिंक कि उस पर उतना कंट्रोल और उतना बैलेंस हो पाएगा. कुछ लोगों को उससे बहुत लाभ होता है, जो डाइट फॉलो करता है उसको लगता है यही डाइट एक दुनिया में सबसे अच्छी है, तो आप कर सकते हैं. इंटरमीडिएट keto diet is a fad. Intermittent fasting has been around since the time of Buddha and Mahavir, and they all ate before sunset and they ate the next morning. They all had prolonged fast and their healths were excellent. They lived very long. So and they have advocated in their preachings ki humko intermittent fasting karna chahiye, jo naam jo bhi dein. So intermittent fasting is an age old concept jo ki आप ठीक से अगर इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाइयों के हिसाब से एडजस्ट करके, तो आप कर सकते हैं. इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. कीटो डाइट सिर्फ अगर आपको बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आपके नेबर या फ्रेंड या अंकल या आंटी कह रहे कि करना ही है, तो आप कर लीजिए. लेकिन आप वो भी डॉक्टर की सलाह से कीजिए. एक दूसरा, उसको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कर सकते. सर, एनीथिंग ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग इन द डिफरेंस बिटवीन आदमियों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, ऐसा कुछ जाने के कुछ ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब तो लोग हर चीज़ में ब्लड ग्रुप से लेके हर चीज़ में फ़र्क निकालते रहते हैं, लेकिन एज सच कुछ नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग विल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन इन अ सिमिलर वे. ओके सर, आई नो आपके पास ज़रा वक्त नहीं है, तो बहुत जल्दी लास्ट 3 or 4 क्वेश्चंस. दो सवाल आए हैं हमारे कम्युनिटी से, तो आई'd लाइक टू ब्रिंग देम टू यू. एक तो एक मेंबर ने हमसे पूछा है, व्हाट शुड बी द डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स हु आर वर्किंग इन फील्ड जॉब्स, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, एनी सजेशंस? या आई मीन बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी उन्होंने. फील्ड जॉब्स माने उनको कहीं कहीं जाना पड़ता है, सेल्स में है या कहीं है किसी. तो फर्स्ट थिंग इज कि डाइट तो वही रिकमेंडेशन नहीं चेंज होता, बट हेल्थी स्नैकिंग जो आप साथ कैरी करें,
प्लीज कैरी योर फूड विद यू. एंड फॉर्चुनेटली अभी तो वेदर बेटर है, फूड विल नॉट गेट स्पॉइल्ड सो मच ऑल्सो. ये जरूरी है, आप वहाँ जो मिल रहा हो वो ना खाएं, क्योंकि हमारे देश में हर जगह हेल्थी खाना नहीं मिलता है. और जो सर्व होता है कहीं भी आप गए कैफेटेरिया में मीटिंग में, तो जनरली वो हेल्थी नहीं होता. फील्ड जॉब में भी आपको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना खाना साथ रखें और मौका देख के अगर आप लेट हो रहे हैं तो उसको खा लें, वरना लो शुगर और उसका रिस्क रहता है. तो मैं तो यही कहूँगा घर से खाना साथ लेके चलें और करेक्ट टाइम पे अपना खाना खा लें. कुछ तो खा ही लें, अगर प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक बजे आपका खाने का टाइम है, तो हैव अ लिटिल बिट एटलीस्ट, तो एटलीस्ट आप बचे रहेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, और द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन जेनेटिकली अक्वायरिंग डायबिटीज. तो यू नो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट कैन जेनेटिकली द किड गेट टाइप 1 डायबिटीज और ओनली टाइप 2, एंड हाउ केयरफुल शुड वन बी विद रिस्पेक्ट टू डाइट? तो किसी को टाइप 1 हो सकता है? टाइप 1 की जेनेटिक्स फर्क है. मोस्ट टाइप 1 केसेस आर स्पोरैडिक, दे आर लिंक्ड टू आवर जीन्स, HLA जीन्स, बट दे sporadic, they don't typically get inherited. There are certain specific syndromes jahan family mein type 1 diabetes inherit hoti hai, but that's not common. Type 2 diabetes has a much broader base, polygenic condition, so it has multiple insults, so therefore it is very strongly inherited within the family. But classically, if you have type 1 diabetes, the chance of your child getting it is very, very low. In type 2 diabetes, it's very high. Okay, that's really reassuring to hear. In fact, diabetes किसी को हमारी फैमिली में हुई नहीं, बट हमें हो गई. That's another, and that's linked with obesity, I would imagine, and pollution and eating badly. And I know, last question, although I have so many questions जो हमें आपके next session पे करना पड़ेगा. Last question, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे platform पे आए और आप herd immunity और corona virus फेस्टिवल एंड डायबिटीज के बारे में बात नहीं करें? इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू सुनी थी न्यूज चैनल्स पे, जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि आप हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई है. ऑन द अदर हैंड, दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, राइट, रैपिडली देर इंक्रीजिंग. सो एक थोड़ा विवाद चल रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है कि नहीं हुई है. देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कोरोना वायरस के लिए अभी नया है. अभी यही नहीं मालूम हमें कितना परसेंटेज लोग इन्फेक्ट हों तो हर्ड इम्यूनिटी होगी. ये नहीं मालूम कि कितने इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें कितने सीरियसली सिक हो जाएंगे. तो हर्ड इम्यूनिटी एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. हर्ड इम्यूनिटी हो जाए अपने आप वो अलग बात है. इंडिया में इतने जल्दी से इन्फेक्शन फैलते हैं, हम लोग बहुत चीज़ों के इम्यून हो जाते हैं. लेकिन आप सोचिए, डेंगी हर साल होता है, जैपनीज इन्केफेलाइटिस ये सब होते ही है ना हर साल. सो इट्स नॉट सो ईजी टू डिवेलप इम्यूनिटी लाइक दैट. पर रेस्पिरेटरी वायरस में भी हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो अभी हम हर्ड इम्यूनिटी से दूर हैं. अब मैं ये बोल रहा हूँ, और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग, कि अभी आपको लग रहा है दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, अभी सब जगह बढ़ेंगे. मेरे पास लखनऊ से, कानपुर से, भोपाल से, यहाँ तो कुछ है नहीं रख सब आजकल. कैसे नहीं होगा, लॉजिक क्या है? अभी देखिएगा, जैसे शुरू में था ना कि खाली वहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, पहाड़ वहाड़ पर नहीं हो, लेकिन जो हमारे मीडियम साइज टाउन्स हैं जहाँ पोल्यूशन सेम होगा, जहाँ क्राउडिंग सेम होगी, जहाँ इंटरेक्शन और भी ज़्यादा होगा और मास्किंग और भी कम होगी यहाँ से, तो आई एम श्योर कि जहाँ लग रहा है अभी कि अब घट गए, वहाँ फिर से वो होता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे. आई डोंट थिंक कभी ना कभी जाके हर्ड इम्यूनिटी शायद हो जाए. कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी हो ही जाएगी, तो उसका हम इंतजार करेंगे. लेकिन तब तक हमारी वैक्सीन, तीन स्ट्रैटेजी, फर्स्ट वेट फॉर वैक्सीन, सेकेंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज वेट फॉर हर्ड इम्यूनिटी. We can't wait for it. First strategy is wear your vaccine on your face. Wear a mask. So the strategy for us as responsible citizens of the world of India has to be to wear a mask. Or mask properly, naak aur mouth ko covered rakhe aur chipka rahe naak aur mouth. Aur aap agar kisi se bhi indoor meeting kar rahe hain, kamre mein meeting kar rahe hain, chahe do hi log ho, aap mask zarur pehne. और कम से कम 2 गज की दूरी रखें. 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी, ये जरूरी है. ये दिस इज समझना इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं समझ रहे. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोज अपने आउट पेशेंट्स में कितने पेशेंट्स देखता हूँ. हमारा जॉब है, वी हैव टू डू इट. हम सब कवर्ड रहते, पूरा शील्ड वील पहन के. पेशेंट्स मास्क लगा के आते हैं क्योंकि वो नॉर्म भी है हॉस्पिटल में, और वैसे भी लगा के आते हैं, लेकिन अंदर आते ही मास्क उतार देते हैं. मैंने कहा, अरे मास्क मत उतारिए,
अब मैं यही बोलता हूँ कि यह हॉस्पिटल से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आप मास्क क्यों उतार रहे हैं? बोले हम तो हमेशा लगा के रखते हैं, बट डॉक्टर साहब आपके पास आ गए अब मास्क उतार दिया। और फिर अगर आप उनसे दो गज दूर बैठिए तो बार बार कुर्सी पास खींचते हैं। तो ये हम लोग का गलत नहीं है, ये हम लोग इट्स इनबॉर्न है ना, लेकिन हमें इस कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा। मास्क अगर आप रखेंगे तो प्रोटेक्शन आपका बहुत ज्यादा रहेगा। क्लोज्ड स्पेसेस में मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम लोग रहें साथ में, हर्ड इम्यूनिटी अभी नहीं आने वाली है, और अगर आपको किसी से मिलना ही बहुत जरूरी है तो मैं तो ये करता हूं कि ओपन एयर में मिल लेता हूं, बाहर थोड़ी देर पैदल साथ में चले जाइए मास्क लगा के। ओपन एयर में आप किसी से वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ी देर चलेंगे तो बहुत कम चांस इन्फेक्शन होने का, इसके बजाय कि अगर आप एक बंद कमरे में बैठे। एक चीज अगेन आपके मित्र जगत जी ने बोला कि कोविड बहुत अच्छी चीज हुई है इन वन सेंस, ही सेड इसके वजह से हमें ये सीखने को मिला है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल टू डू। सो ही सेड कि व्हाइल द डिजीज इज बैड, अगर उसे एक चीज हम सीख लें कि कैसे अपने आप को घर पे खाना खाएं, क्लीन खाना खाएं, लिमिटेड खाना खाएं, खुद का ही काम करें घर पे, इसे उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स में ना जाएं ज़्यादा, इसे उसकी वजह से पोल्यूशन ही सेड कि एकदम साफ हो गई थी हवा जिसकी वजह से कंडीशंस लो हो गई थी। वन फाइनल वर्ड, डायबिटीज का आजकल क्या मतलब कोविड रिलेटेड क्या प्रभाव आपको दिख रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दैट? So the latest on that is that in our own data, the percentage of people hospitalized who have COVID, the percentage of them having diabetes is very high, very high. मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो admit हो रहे हैं COVID के लिए उनमें जिनको serious COVID हो रहा है उनमें diabetes है, diabetes है, blood pressure है, heart disease है, अकेले diabetes नहीं, but that is the kind of patient who is getting into trouble with COVID. So बिल्कुल सही जगत ने कहा, ये मैंने कल ही ये लिखा है कि अगर आप सोचते हैं इस पैंडेमिक से एक फायदा हो सकता है, इसको मैनेज करेंगे, तो आपको इसको सिंडेमिक की तरह मैनेज करना पड़ेगा। सिंडेमिक माने SYN, दो चीज़ें जुड़ती हैं, सिंथेसिस ऑफ इन्फेक्शन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इससे हमें ये एक तरीका मिला है कि हम अपनी डायबिटीज, अपने वेट, अपनी हार्ट डिजीज का मैनेजमेंट ठीक से करें, और ये एक मोटिवेशन है। 20 साल बाद मेरी आंख में कुछ होगा या 15 साल बाद मेरे हार्ट में कुछ होगा, उससे मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन 15 दिन बाद मुझे कोरोना हो सकता है, अगर मैंने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करी या वजन कम करने की कोशिश नहीं करी, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो फॉर इंडिविजुअल्स दिस शुड बी अ बिग मोटिवेशन कि अभी कोरोना तो रहेगा एक दो साल, तो अगर हम इससे बचना है तो हम अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, शुगर को कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, देन अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें होता भी है वायरस तो हमें उसका एडवर्स इंपैक्ट कम होगा, बहुत कम होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल, एंड अथॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप इतना बड़ा पैंडेमिक जब मैनेज कर रहे हैं तो आप सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल और ICU, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग है, और ऑक्सीजन से नहीं कर सकते जब तक कि आप बेसिक लोगों की डायबिटीज प्रेवलेंस, ओबेसिटी प्रेवलेंस, इस सब को कंट्रोल नहीं करेंगे by adequate measures, तब जब भी कोई पैंडेमिक आएगा तभी भी ये लोग हमेशा इसमें फंस जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स व्हाट्स गोइंग टू वर्क।